हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फिर से एक वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ इस वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, और हमारे साथ जो है आज जुड़ चुके हैं जलंधर के साहिल भाई। ठीक है, जो भी पिछले ही कुछ महीनों से आप आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ महीने से पहले ही यहाँ पे विजिट किया है माल्टा में। तो अभी सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, क्या क्या इनका प्रोसेस रहा, कहाँ से इनको पता चला इस कंट्री के बारे में, स्टडी वीज़ा पे आए हैं या वर्क परमिट पे आए हैं, क्या क्या कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे, इनको अकोमोडेशन कैसे मिला। तो सब कुछ इसी वीडियो में आप बने रहे लास्ट तक। तो तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं इनसे। तो साहिल भाई, आपको पता कैसे लगा इस कंट्री के बारे में? एक छोटी सी, आप तो जानते होंगे कि यह छोटी सी कंट्री है माल्टा, तो कहाँ से आपको पता चला कि वहाँ पे स्टडी करना बेहतर रहेगा या फिर किसी और कंट्री जाऊँ या यूरोप में आपको आना था पहले? क्या प्लान था आपके? अरे भाई, मैंने ना इसको यूट्यूब में ही सर्च किया था। मैं वैसे अलग, जैसे मुझे बाहर जाने का शौक था, मैं वैसे पंजाब जलंधर से बिलोंग करता हूँ। Okay, okay. मुझे बाहर जाने का शौक था, जैसे हमारे पंजाबी में कीड़ा होता है। बाहर जाना ही है। तो मुझे भी था कि मैं बाहर जाना है और अच्छी लाइफ और अच्छा पैसा कमाना है। तो इसी कारण मैं इस कंट्री को यूट्यूब पे सर्च करता था कि आइलेट्स ना हो, इजीली पहुंचो। यहाँ पर कोई आइलेट्स नहीं थी, तो यहाँ पर बेसिकली आप स्टडी वीज़ा पे आए हो। आ गया, कोई आइलेट्स नहीं हुई। ओके ओके, तो आप किस कॉलेज में अभी हो? मैं EI कॉलेज में हूँ। क्या कुछ कोर्स कर रहे हो? मैं MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कितनी फीस रहेगी? तकरीबन 2 साल का होता है ये, आई थिंक। हाँ, आई थिंक ये 2 साल का होता है। इसमें 7500 यूरो फीस रहेगी। okay, एक साल की, फिर दूसरे साल की 400 यूरो फीस रहेगी। 400-500 इतनी कोई फीस रहेगी, और बाकी आपको पता ही, बाकी फाइल फुल के अलग चार्जेस होते हैं। अच्छा साहिल भाई, आप यहाँ पे लैंड कब हुए थे? आप यहाँ पे आए कब थे? किस डेट को आए थे? कुछ आइडिया है आप? मेरा भाई 20 अक्टूबर को वैलिड वीज़ा था। अच्छा, तो मैं 23 अक्टूबर को आ गया, मतलब 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को आप यहाँ पे माल्टा में आ चुके। मतलब मुझे 2 मंथ को करीबन होने वाले हैं। हाँ, तो चलो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप कुछ बताओगे यार कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा? पहली तो बात ये मेरी कि आप जैसे ही यहाँ पे कोई आपको लेने आया, रिसीव करने आया आप एयरपोर्ट पे? कोई लेने नहीं आया। तो आपने क्या कैब बुक किया था या फिर आपको पता था कि बस वगैरह में ट्रैवल कैसे, क्या होता है? मेरा किसी ने रूम वैसे बुक करा दिया था पहले से। ऑलरेडी बुक था आपका रूम? बुक था। तो जब पहुँचे चला गया था, तो मुझे लोकेशन भेज दी थी, तो मैंने बस की 2 यूरो की बस, मैंने एड्रेस होता है वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही बस एक काउंटर बनाया, तो आप उनको बता दो ये लोकेशन है, तो आपको वो बस नंबर बता देंगे। तो मैं उस बस से उतर गया लोकेशन हिसाब से। तो यहाँ पर बसों में भी वाईफाई होता है, आप हमेशा जब आओ तो बसों में भी वाईफाई यूज़ कर सकते हो। आप 2 यूरो में यहाँ पहुँच सकते हो कहीं भी ट्रैवल कर, ये आपके अंदर हिम्मत है क्योंकि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी बात, स्टूडेंट लाइफ में माल्टा में कोई स्कोप नहीं है। ये कोई माल्टा वो कंट्री नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट लाइफ अच्छी है। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी, आप बोलोगे कि यार ये तो हमको एक डिसएडवांटेज ऐसे होती है कि भाई थोड़ा मोरल डाउन कर रहे हैं कि भाई नहीं आना चाहिए, यानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे हाथ नहीं आने, मैं सच बताऊंगा, झूठ की बात नहीं करूंगा। मुझे 2 महीने हो गए इस कंट्री में, अब स्टूडेंट बहुत सारे हैं। ये इतनी बड़ी कंट्री नहीं है भाई, तुम जितनी सोच के आ रहे हो, ये चंडीगढ़ जितनी सिटी है ये इतनी, तो इस कंट्री में इतना काम नहीं है तुम जितना सोचो। 6 महीने यहाँ सीजन होता है, मार्च से लेकर सितंबर तक, तब दबाकर काम होता है, उसके बाद यहाँ पर कोई काम नहीं होता। तो अभी आप आए, मतलब आपका सिर्फ जो आप घर से कितना लेके आए थे, कितने यूरोज आप लेके आए थे घर से? अरे मैं अराउंड समथिंग अराउंड, और कितना खर्च हो चुका है अभी तक? सिर्फ खर्च जा ही जा रहा है और आ कहीं से नहीं रहा है, मतलब कि 1 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है। 500-600 यूरो में लेकर आया था, वो भी अगले महीने का रेंट दिया, 300 तक रेंट चला जाता है, डिपॉजिट वखरा जाता है। यहाँ पर क्या है, हर चीज़ की कीमत, पानी तक भी पैसे का आता है। ठीक है, सही बात है यार, आप सभी को बता रहे हैं। तो यार आपके लिए वीडियोस ही ऐसे ही जेन्युइन वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ओके, तो अच्छा, जैसे आपने बता दिया कि आप अकोमोडेशन का आपने ऑलरेडी बुक कर रखा था, आप चले गए अपने अकोमोडेशन पे, आप रीच हो गए वहाँ पे, तो काम वाम का क्या सीन था? मिला काम या किसी के रेफरेंस पे मिला? क्योंकि आपके शायद किसी को जानते भी नहीं थे यहाँ पे, जानते थे किसी को? एक फ्रेंड था बस मेरा। तो दिलाया उसने काम? उसने दिलाया। तो क्या कुछ रेट मिला, कितने घंटे काम किया? भाई मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया एज ए फिटिंग हेल्पर के तौर पर, टैल का फिटिंग होता है ना, उसमें काम किया। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कई बार पैसे नहीं देते,
मैंने हफ्ता काम किया, मुझे कोई पैसा नहीं। हाँ, ये भाई ने मेरे को बताया था, इंस्टाग्राम पे भी बताया था इन्होंने कि पैसे इनको नहीं मिले। इन्होंने कितने दिन काम किया था उनका? एक सात दिन काम, सात दिन, एक हफ्ता काम किया, एक वीक काम किया और इनको कोई पैसा नहीं मिला है। ये यहाँ की सच्चाई है एक तरह से, मान लो कि भाई हम सच्चाई बता रहे हैं यार माल्टा की। बाकी भाई अपना खुद एक्सपीरियंस मेरे को बता रहे हैं, आपको, आप सभी को बता रहे हैं कि यार इनका कितना एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने के बाद, खर्चा। क्योंकि घर से एजेंट लोग बोलते हैं कि भाई आप इतना लेके चले जाओ और वहाँ पे जाते ही काम मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सब ये जो एक दिमाग में ड्रीम होता है ना, ये हो जाएगा, वो पता जाएगा। क्या है, YouTube में एक लहर चल पड़ी है, वीडियो की वीडियो बन रही है, यहाँ पर आ जाओ कि पता नहीं क्या 2000 कमा लो, 3000 यूरो कमा लोगे आप। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर जो पुराने आए हैं वो यहाँ के राजे हैं और यहाँ पर एक इकोनॉमिक का पूरा राज है उन पुराने लोगों का, और हम जो नए आ रहे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि हम सोच कर आए यूट्यूब की वीडियो देख कर ना, मैं आज भी बता रहा हूँ, कल भी बता रहा हूँ, तुम आओगे पछताओगे। बाकी सब सबकी अपनी अपनी किस्मत है, कईयों को मिल भी जाता है, कईयों को नहीं मिलता, किस्मत पर डिपेंड है। पर मुझे अभी तक नहीं मिला, बस 3 हफ्ते की दिहाड़ी लगी, उसमें थोड़े पैसे मिलेंगे। उस 3 हफ्ते नहीं, मतलब 3 दिन, साहब बाय मिस्टेक बोल गया, गया। हाँ। 3 दिन काम किया, उसमें पैसे मिले बस, और 3 दिन से मेरा पूरा तो कितना कुछ क्या रेट मिला पर रेट यहाँ पे अभी फिलहाल सीजन ऑफ है ना, तो इस वजह से सीजन में ऑफ यहाँ भाई 5 यूरो स्टार्ट हो जाता है, 5-6-7, इससे ज़्यादा नहीं तुम्हें देंगे कोई, तुम कोई भी काम कर लो। और कई लोग सोचते हैं कि शनगन कंट्री है, हम इस कंट्री से कहीं और मूव हो जाएंगे, ये वगैरह वगैरह। ये तुम्हें शनगन कंट्री में आना है, TRC की जरूरत नहीं है। तुम आगे यहाँ पर TRC, तुम कह सोते में TRC लेनी है। कई लोग चाहते हैं यहाँ पर आगे हम पुर्तगाल चले जाएंगे, तो जिस दिन आओ ना पहले दिन ही, तो दूसरे दिन पुर्तगाल चले जाओ, वहाँ TRC अप्लाई हो जाएगी, हमारे पास पैसा होना चाहिए आगे। हाँ, कई लोगों को वो होता है ना कि यार हमारे पास वीज़ा है या हमारे पास TRC कार्ड नहीं है, तो हम मूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कल ही एक बार मेरा भाई आया था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मैसेज किया था कि भाई मूव हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, मेरा TRC कार्ड नहीं आया अभी। तो अभी तक आपका TRC कार्ड आ गया है? अभी मेरा अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। मैंने अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई किया था 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को अप्लाई किया था। अच्छा, अभी तो 13-15-16 दिन ही हुए हैं ना, तो अभी डॉक्यूमेंट का कुछ अप्रूव्ड वगैरह आ गया? सब अप्रूव्ड आ गया, बायोमेट्रिक मेल आने वाली की है। अच्छा अच्छा, तो साहिल भाई यहाँ का मतलब आपको माहौल कैसा लगा? कि यार जैसे 3-4 देश के यहाँ बंदे रहते हैं, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाली, तो आपको मिले हैं कभी? हाँ, सभी मिले हैं मुझे। तो जो वो लोग हैं ना, मैं बस बताना चाहिए, इंडियन लोग स्टडी वीज़े पर ज़्यादा हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा है इस बार तो, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा है, इंडियन लोग ज़्यादा स्टडी पर आए हैं। उनका एम है कि हम पुर्तगाल चले जाएंगे, थोड़ा पैसा कमा के पुर्तगाल चले जाएंगे। जो मिडिल क्लास बंदा वो बिल्कुल ना है, मैं बता रहा हूँ, नोट करें, मिडिल क्लास बंदा बिल्कुल ना है। क्योंकि जिसके घर पर 10-12 हज़ार कमा रहा है, वो अपना कर्जा उठा कर यहाँ पर आ रहा है, वो बिल्कुल गलत चीज़ है भाई। जिस पास पैसा है वो सोच सकता है मैं आगे थोड़ा टाइम रुक कर यहाँ सर्वाइव कर सकता है, TRC तक वेट कर सकता है, तो वो तो ठीक है। जो काम मिल गया तब भी ठीक, नहीं मिला तो तब भी ठीक, तो वो पुर्तगाल जगह पर फाइल लॉक करा कर काम कर सकता है। पुर्तगाल में भी मैं कह रहा हूँ इतना काम भी नहीं है, आपके यहाँ स्किल होना चाहिए। स्किल आपको सोचता है नाइक का स्किल आ जाए, मुझे हेयर कटिंग का, हेयर कटिंग में इतना यहाँ स्कोप नहीं है। उनके पास अपने लड़के बहुत हैं, उनके अपने लड़कों ने बहुत काम सिखा पड़ा है यहाँ पर, ऑलरेडी है उनके पास, उनके ऑलरेडी उनके पास है। दूसरी बात, शेफ का काम सीख सकते हो आप, ब्रिस्टा कॉफ़ी की बहुत डिमांड है यहाँ पर, आप उसको काम सीख सकते हो। आपके अंदर स्किल होना चाहिए, कोई हार्ड स्किल होना चाहिए, जिसके कारण बिना स्किल के कोई काम नहीं है यहाँ पे। बिना स्किल के तो आप यही है, कंस्ट्रक्शन में आप तसले उठाओगे और आपका मूल्य पै जाए। कंस्ट्रक्शन में भी कोई काम सोखा नहीं है यहाँ पर, यहाँ ब्रिक की कंस्ट्रक्शन को 30-40 किलो का वेट होता है, वो आपको उठाना पड़ेगा। ईंट होती है, एक जो ईंट होती है यहाँ पे, वो नॉर्मल ईंट नहीं होती, वो इंडिया वाली वो होती है, इतनी बढ़िया सीमेंट वाली होती है, वो नॉन स्टॉप वेट उठाना पड़ता है। और यहाँ पर इंडिया के और यहाँ के खान पीन में बहुत फर्क है। चलो, ये सारी बातें तो अब उनको पता लग ही गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ का डिसीजन आप खुद ले सकते हो। हम यहाँ पे आपको सिर्फ इनकी रियलिटी आपको बता सकते हैं। एक भाई जो हमको मिले थे, देखो ये सब अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यार भाई के क्या हुआ, भाई के साथ कितना खर्चा हो गया, अभी तक कुछ सोर्स ऑफ इनकम है नहीं आने की, सब जा ही जा रहा है यहाँ से, कितना कुछ इंडिया से लेके आए थे और यहाँ से अभी तक चला गया है, तो बता ही सकते हैं यार, हम बता ही रहे हैं आप। भाई मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इतना स्कोप सोच कर आ रहे हो, होप बहुत ज़्यादा ना रखो यहाँ से। और यहाँ पर भाई 4-5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं है, कहीं यहाँ पर 60-70 हज़ार में भी आए जो अब सीधा ही इंडिया से उनका वर्क परमिट लगा है, उन्हें अप्लाई वर्क परमिट वाले की बात हो रही है, और कई 3-4 लाख रुपये। अब कई कंपनियों के बंदे आए सितंबर अक्टूबर में, उनकी TRC लेट आई, कई कंपनियां मुकर गई हैं, कहते हैं हमारे पास काम वर्क परमिट के साथ ऐसा, और तो स्टडी वालों के साथ क्या होगा। और कई बात कॉलेज भी सपोर्ट नहीं करता यहाँ पर,
यार अच्छा टाइम कितना लग गया था डीआर से आने में फिलहाल अभी जो लेटेस्ट रूल दो महीने काउंट करे चलो कई बार कहीं को तीन महीने भी लगे दो मैक्सिमम तीन महीना तीन महीने मैक्सिमम गिन के चलो हमेशा कई बार डेज तो साहिल भाई आपका एक महीने का अभी सारी बात छोड़ देते हैं ठीक है एक महीने का आपका कितना खर्च आया जनरली जब आप आओगे ना तो आपको सब कहेंगे डिपॉजिट यहाँ पर बुक होता है 275 यूरो आप जैसे रेंट आपका 250 यूरो है तो आपका 250 यूरो डिपॉजिट होगा मतलब 500 यूरो लगेगा ही लगेगा आपके तो जैसे इंडिया में सिक्योरिटी होता है ना आपको सिक्योरिटी जमा करनी होती है समझ लो 250 यूरो आप दे रहे हो रेंट और 250 यूरो सिक्योरिटी वो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये इतनी यहाँ पर जगह बहुत कम है रहने के लिए ये इतनी बड़ी कंट्री नहीं मैं बार बार बता रहा हूँ कई लोग सोच कर आए यूरो ना देखो ना शनगन देखो टोटल खर्चा कितना आपका एक महीने का अभी मैंने 275 वो दिया 230 यूरो मैंने बताया बिजली का बिल भी दिया है तो मेरा 300 यूरो मैं 600 यूरो ये और 275 यूरो रेंट दे चुका हूँ अब मेरा 50-60 यूरो ग्रोसरी मतलब लाख के करीब मैं कह चुका हूँ मेरा खर्चा हो चुका है यही होता है अच्छा यहाँ पे आना चाहिए बंदों को या नहीं आना चाहिए क्या स्कोप है अगर यहाँ के मूव हो जाना चाहिए या फिर यहाँ रह के थोड़ा पीछे अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ जो मिडिल क्लास बंदा जिसके घर 20-25 हज़ार कमाई है उससे कम है वो बंदा मत आओ आपके घर पर बहुत मुझे कर्जा लेकर आओगे घर पर बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा आपको घर को भी आपको भी आपका माइंड पर प्रेशर होगा डिप्रेशन में कई लोग तो हो चुके हैं यहाँ से इंडिया वापस चले गए वापस चले चुके हैं उनका कईयों ने यहाँ पर मैं कहना नहीं चाहता हूँ कईयों ने की वैसे डिप्रेशन से डेथ भी हुई है एक लड़की की हुई थी तो उसकी डिप्रेशन से डेथ होगी उसकी कुछ काम करते घर वाले कुछ ज़्यादा तगड़े नहीं थे बेचारे फादर नहीं एक्सपायर हो चुके थे बहुत बुरा हुआ हमारे उधर पंजाब का ही लड़का था बुरा प्रेशर था दिमाग में प्रेशर तो, कई बार इंसान का दिमाग झेल नहीं पड़ता क्योंकि कर्जा बहुत होता है इंसान के ऊपर तो अभी फिलहाल आना चाहिए नहीं हाँ आना मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई स्टूडेंट को नहीं बात हमारी हम इसलिए वीडियो बना रहे ताकि आप तक पहुँचे हम तो सर्वाइव कर ही रहे हैं और करेंगे भी क्योंकि यहाँ आके जो फंस चुके हैं सर्वाइव करेंगे भाई एंड तक करेंगे सर्वाइव हमें ये मतलब नहीं है कि हम तो पहुँच चुके हैं हम चाहते हैं आगे जो बंदे आए उनको अच्छी वो मिल जाए नसीहत अच्छा वे मिल जाए एक वे मिल जाए वो हमारी जैसे फंस जाए एक बार यहाँ पर एंट्री एग्जिट कोई नहीं है ब्रो ये मैं बता दूँ क्योंकि जो मजबूर इंसान है वो वापस नहीं जाएगा वो कहेगा घर जाकर मैं क्या करूँगा और अगर यहाँ पे काम करते पकड़े गए तो सीधा डिपोर्ट हो जाओगे टीआरसी के बगैर ये किस्मत करने वाले करते भी या नहीं करने वाले नहीं करते किस्मत की बात है किसकी क्या किस्मत चलती है क्योंकि भगवान किस्मत चलाता है इंसान नहीं चलाता चलो साहिल तो साहिल भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार ठीक है भाइयों मैं ये लाइक्स और व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ कि इसके भाई को लाइक करो उसका जो रियलिटी वो बताना चाहता हूँ यूट्यूब पर बहुत लहर चल रही है ये वगैरह वगैरह वो कभी खुद वो एजेंसियां खोल के बैठे हैं वो लाखों कमा रहे हैं और तुमसे भी वो लाख लेना चाहते हैं और तुम लाख दे भी रहो क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं हैं पर सही वे से आओ इतनी मेहनत करो कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके आओ तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती माना यूरोप में उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज तुम्हें यहाँ की इंग्लिश तो होनी चाहिए तुम कम्युनिकेट कर सको लोगों उसके साथ तुम कम्युनिकेशन करोगे ये एक बार समझाएंगे दूसरी बार तुम्हें गो कह देते गो ये ज़्यादा चांस नहीं देते इंडिया जैसा साहब नहीं है और यहाँ पर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है बस बाहर स्ट्रगल तो इंडिया में भी है चलो पर ये है कि वहाँ यहाँ पर तुम्हारा पैसा लगता है और पैसा लगना तुम्हारा नहीं अकेला तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे भाई का पूरी फैमिली का तुम अपना सोच के ना पूरी फैमिली का सोच के रहो सो गाइस आपने ये लास्ट एंड तक वीडियो देखी होगी तो क्या है माल्टा की सच्चाई और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है क्या चल रहा है अभी सीज़न है काम का है नहीं है तो आपको आई होप गाइस इसमें पता चले गया होगा वीडियो में तो चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो यार बट मैं आपको जेन्युइनली ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा तो तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू